खगड़िया जिला के समाहरणालय एवं प्रखंड मुख्यालय में किसान महासभा के आह्वान पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय एवं बेलदौर बीडीओ और सीओ कार्यालय पर घेराव कर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में किसान, मजदूर और महिलाएं अपने मांगों को लेकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। बता दें कि यह जुलूस विभिन्न जगहों से करते हुए समाहरणालय एवं प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां प्रदर्शन का नारेबाजी की। सीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार के जनविरोधी नीतियों के चलते महंगाई खाद्य सामग्रियों पर 5% GST, पढ़ने लिखने की सामग्री पे 18%, केंद्र की इस विनाशकारी नीतियों के चलते बेरोजगारों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जहां किसानों व मजदूरों के बच्चे अपना भविष्य तलाशते हैं, वहां भी अग्निपथ योजना चलाकर सिर्फ इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में डाल दिया है। वह किसानों की मांगे थी, सर्वे के नाम पर किसानों से दोहन शोषण बंद हो, पूर्व में किए गए बंदोबस्ती जमीनों की रसीद काटने और केबाला पर लगे रोक को प्रशासन वापस ले, खगड़िया सहित बेलदौर को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें, वरना आंदोलन और भी तेज होगा। बेलदौर खगड़िया के सबसे पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले में बेलदौर आज भी पीछे है। खगड़िया जिला एशिया के सर्वाधिक मक्का पैदा करने वाले जिले के तौर पर बेलदौर उसमें सबसे ऊपर है, मगर यहाँ के किसानों को अपने मक्के को बेचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि वाजिब कीमत भी नहीं मिलती है। किसानों के हित में मक्के पर आधारित स्टार्च फैक्ट्री लगाना होगा। बताना चाहते कि आज आप देख रहे हैं पूरे बिहार के अंदर जो है आज सूखा की परिस्थिति हो गया है, बारिश नहीं हो रही है। तो आज पहला सवाल हो गया है कि बेलदौर प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना, ये पहला सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि आप जानते हैं कि बेलदौर के अंदर किसान जो सैकड़ों साल से जमीन को जोत रहे थे, अंग्रेज जब जाने लगे थे, अंग्रेज के जाने के बाद किसानों के नाम से जो जमीन बंदोबस्त की गई थी वो हजारों एकड़ जमीन है, और उस जमीन पर जो है रसीद सदियों से कट रहा था। आज की सरकार जो है, पिछली गवर्नमेंट जो है NDA की सरकार, उसने रसीद को काटने पर रोक लगा दिया था। यह एक बड़ी समस्या, जिंदगी आज संकट में पड़ गई है, देश की सुरक्षा के ऊपर भी खतरा पहुंच गया है। और आपको मालूम होना चाहिए आज बिहार के अंदर जो खाद्य सुरक्षा कानून लागू है, इस खाद्य सुरक्षा कानून को भी पूरी तौर पर डिमोलिश करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। बिहार के अंदर 29 लाख लोगों का जो है कार्ड उसको सस्पेंड किया है और उसको जांच करने की मांग के आधार पर उसको रोका है। कुल मिलाकर के खाद्य सुरक्षा योजना को के तहत जो अधिकार मिला है, इस अधिकार को समाप्त करने की बात जो है वो कर रहा है। इसीलिए आज का प्रदर्शन जो है इन सारे सवाल को जोड़ते हुए, यहाँ बरसों से लोग बसे हुए हैं और उस बसे हुए लोगों को CO जो है वो पर्चा नहीं दे रही है, उस पर्चा के सवाल को उठाया है। आपको पता है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर लोग बटाई की खेती करते हैं और बटेदारों के ऊपर जमींदारों के गुंडों के द्वारा लगातार हमले होते रहते हैं। उसके खिलाफ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी संघर्ष करते रहती है और उनकी रक्षा के लिए आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया, इन सारे मुद्दों को जोड़ करके। और फिर महंगाई का सवाल भी आज एक बड़ा सवाल है। आज डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का कीमत इतना बढ़ गया। जब NDA की हुकूमत बनी थी 435 रुपया गैस का कीमत था और 7 साल में उसको 1100 रुपया प्रति गैस सिलेंडर कर दिया है। उजाला योजना में गैस बांटा गया था, लेकिन अब उस गैस को भराने की हिम्मत गरीबों के पास में नहीं है। पूरे देश के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गैस सिलेंडर को वापस किया है। ये है शर्मनाक स्थिति इस देश का, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज का प्रदर्शन है। आपका नाम सर? अजय कुमार। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।